सभापति महोदय, मैं इंडिया अंटार्कटिक बिल 2022 के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सर, अंटार्कटिका इज ए हिस्ट्री ऑफ 140 ईयर्स। कई 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अनेक एक्सप्लोरर्स ने समुद्री यात्रा की, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। लेकिन 15 दिसंबर 1911 को रोनाल्ड एमर्सन्स ने पहली बार साउथ पोल पहुंचा और जिंदा वहां से लौट कर आया। सर, द आइस सीट इज द सिंगल लार्जेस्ट पीस ऑफ आइस ऑन दिस अर्थ। अगर साउथ पोल की अगर आइस मेल्ट करने लग जाए तो पैसिफिक और इंडियन ओशन के बहुत सारे जो आइलैंड है वो खतरे में पड़ जाएंगे। और सती महोदय, ये फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ विद अ ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, इट इज द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड विंडीएस्ट कॉन्टिनेंट। और वहाँ मुश्किल से 1,000-1,500 लोगों की आबादी है। और वो जो 40 रिसर्च स्टेशन है, वहीं पर वो लोग सालों भर काम करते हैं। और जैसा बताया कि भारत के भी दो स्टेशन हैं, मैत्री और भारती, और टूरिस्ट की भी संख्या जो है, जहां 2015 में 36,000 थी, वो बढ़कर 73,000 वहां पर संख्या हो गई है। सौती महोदय, इस बिल के पास होने के बाद मैराइन फिशिंग करने का जो काम है, जिसमें तक भारत शामिल नहीं हुआ है, भारत को शामिल होने का उसके अंदर मौका मिलेगा। और सती महोदय, भारत सरकार इंस्पेक्शन टीम का गठन कर सकती है। इस बिल में इंस्पेक्शन का प्रावधान है, पेनल्टी का प्रावधान है। अगर कुछ प्रावधानों का अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसके लिए पेनल्टी का प्रावधान है, और अंटार्कटिका फंड के गठन करने का भी इसमें प्रावधान किया गया है। और साथ ही साथ अगर कोई प्रोविजंस का उल्लंघन करता है तो डेजिग्नेटेड कोर्ट्स को उनको ये अधिकार दिया गया है कि वो उस पर कार्रवाई कर सके। तो सौती महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और सदन से भी आग्रह करता हूं कि सर्वसम्मति से इस बिल को पारित करें।